सतना जिले के रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र अंतर्गत कोठार गांव में हुई पिता पुत्र की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पकड़े गए आरोपी को अपनी पत्नी के ऊपर शंका थी, जिसके चलते पुत्र की हत्या की योजना बनाकर पहुंचा था, जहां पिता पुत्र को सोते समय मौत के घाट उतार दिया था। पूरे मामले का खुलासा करते हुए सतना पुलिस ने बताया कि वारदात में प्रयोग किया गया चाकू और अन्य सामान बरामद कर लिया गया है। आरोपी के खून से लथपथ कपड़ों को धोने और जलाने के आरोप में उसकी पत्नी को भी आरोपी बनाया गया है। आइए सुनते हैं पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता ने क्या जानकारी दी है। किस तरह आरोपियों तक पहुंची, कौन है आरोपी, क्या मकसद था हत्या के पीछे? ग्राम बेला कोठार थाना रामपुर बघेलान के अंतर्गत 1 और 2 तारीख की दरमियानी रात को हुई डबल ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को पुलिस ने अल्प समय में ही सुलझा लिया है। इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, पुष्पेंद्र साकेत और उसकी पत्नी राजकुमारी साकेत को। पुष्पेंद्र साकेत के द्वारा पूर्व के विवाद को लेकर के एवं अपनी पत्नी के चरित्र शंका को लेकर के ये विभत्स हत्याकांड किया गया था। 2 लोगों की इसमें हत्या की गई थी, पिता और पुत्र की, शंकरलाल साकेत और रामबहुर साकेत की। इसको बहुत ही अल्प समय में पुलिस ने सुलझाया है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जो घटना में प्रयुक्त हथियार उसको भी पुलिस ने जब्त कर लिया। सर, वजह क्या थी? ये जानकारी आ रही कि सजा के बदले मौत की सजा सुनाई उसने दी है। इसका पूर्व से एक विवाद था इनके द्वारा, जिसको लेकर के ये बैर मानता था। 5-6-7 साल पहले इनके ऊपर एक मुकदमा भी कायम हुआ था, उसको लेकर के ये बैर मानता था। साथ ही साथ में इसकी पत्नी की चरित्र शंका को लेकर के इसने जो है ये हत्या करी है। सर, पुलिस पहुंची कैसे? मतलब शुरुआती है, क्योंकि डबल मर्डर था। शुरुआत में जैसे ही सूचना मिली, तो चूंकि ये जो है डबल मर्डर का मामला था, तो वहाँ पे जो है विशेषज्ञ टीमों को भेजा गया। फॉरेंसिक साइंस टीम हमारी गई, डॉग स्क्वाड गया, स्पेशलाइज्ड टीमें वहाँ पर पहुँची और जो है जांच पड़ताल शुरू करी। वहाँ पे हमने विश्वसनीय मुखबिरों को भी मामूर किया था, जो कि सिविल ड्रेस में थे और लगातार गाँव वालों से गोपनीय जानकारी निकाल रहे थे। जो संदेही पुष्पेंद्र साकेत था वो गाँव से गायब था और साथ ही साथ में उसके ऊपर कई अलग अलग सोर्सेज से पता चल रहा था कि ये जो है वो शक के दायरे में है और पूर्व से विवाद रखता है मृतक पार्टी से। इसी के आधार पे पुलिस ने आगे अपनी विवेचना शुरू करी और जो है आरोपियों के गिरेबान तक पुलिस पहुंच चुकी। सर, घटना के बाद इसने साथ छुपाने के लिए क्या प्रयास किए थे? घटना करने के बाद में ये जिस घटना से इसने करी थी कुल्हाड़ी, जिससे कि इसने डबल बहुत सारे वार करके उन दोनों को मौत के घाट सुला दिया था। उसके बाद में उसने उसको तालाब के पास छुपा दिया, फिर वापस लौटा और अपनी पत्नी के साथ में, जो कि उसके कपड़े थे जिसमें खून के छींटे थे, उसको छुपाने की नियत से अपनी पत्नी के साथ मिलकर के उसको जला दिया। और जलाने के बाद जो जीन्स भी थी उसको तब को जला दिया, और जलाने के बाद उसको जो है जमीन में गाड़ दिया, जिससे कि सारे एविडेंसेस नष्ट हो जाएं और पुलिस इस तक ना पहुंच सके। परंतु पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इनके जो है तह तक पहुंची है और दोनों आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया। 36 घंटे के अंदर इस डबल मर्डर का खुलासा हुआ, उस टीम किस तरह से? हमारी टीम ने काफी अच्छा कार्य किया है, संपूर्ण टीम जो है वो बधाई के पात्र है और उनको जो है 10,000 रुपए नगद इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा। थैंक यू।